रास्ता सही पता तो लगे है। तू जो लोचाली शाली लोग ही खड़ा है बाकी तुम कहीं लो पसर पड़े सी में उड़ी उड़ी भाई आई कन बात अरे मैं कॉल आयो आराम नाल आराम नाल बैठा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, फिट फाट होंगे और खैर खैरियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ जी। बाइक पे जा रहा हूँ और बल्कि बाइक पे जा क्या रहा हूँ। ओ हट वजो बालो फज वजो ओ फज वजो फज वजो भाई हुई 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 बच्चे डर गए जी। अच्छा जी गया था थोड़े काम के लिए। भज वो बालो भज वो डैंड आ गया भज वो चलें जी। व्लॉग तो स्टार्ट हो गया। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं छोटी सी रिक्वेस्ट होते हैं चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों को आसानी मिलती रहेगी, ठीक है ना। उसके बाद गया था थोड़ा चौक पे बस के अल्लाह बख्श, वहाँ से कुछ चीज़ें शीज़ें लेनी थी तो मैंने कहा चलें जी ले आते हैं कुछ ज़रूरियात की चीज़ें। कुछ माज साहब की दवाई लेनी थी। माज साहब को आजकल ना माज साहब को आजकल हो गया ना वो वाला फूफू वाला, आप लोग पहचान गए होंगे वो जो होता है जुकाम हो गया ना जो नाक से निकलता है फोटा वो हो गया, उसके लिए दवाई ली है। तो अपने लिए भी जो है ना कुछ चीज़ें लेनी थी वो भी ली है अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी सारी चीज़ें ले आया हूँ ये आप लोगों को दिखाता हूँ थोड़ी देर में। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये मैंने व्लॉग स्टार्ट किया भाग के हाथ मुँह धोने चली गई थी। पहले हाथ मुँह नहीं धोया हुआ था आपने? पानी पीने गई थी। अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम। वो बात क्यों लड़े पे हो? बात हो भैया क्यों लड़े पे हो? सीता मुझे भी पका के देना है। अम्मा मुझे ये पका के देना है ये वाला सीटा। पकाओ पकाओ सीटे मेरे को दो। चलें जी खाना पानी जो है ना हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये क्या ले आया हूँ ये आप लोगों को दिखाता हूँ। तो उसके बाद जो है ना फिर हम जो है ना आगे व्लॉग की तरफ चलेंगे। सबसे पहले ये माज साहब की दवाई ली है। ये माज की अम्मा को दे दवाई, ठीक है। उसको बोलो भाई अब दवाई लेके आ गया ये माज को पिलाओ है। ये दे के आ जाओ जल्दी से दे के आ जाओ ना, भाग के जाओ बच्चे भाग के जाओ। चलें जी माज की दवाई तो चली गई जी। उसके बाद ये चीज़ें ये अभी आप लोगों को मैं थोड़ी देर के बाद दिखाती हूँ ये मैं क्या लेके आया हूँ इनमें से और इनमें क्या चीज़ें हैं। लेकिन चीज़ें बड़ी ख़ास हैं जिसको बोलते हैं ना ख़ास चीज़ें वो हैं। अच्छा जी मामू वाले तो आज चले गए और दूसरी बात ये है मुंशी भाई नहीं आया अभी तक, क्यों इतना टाइम हो गया अभी तक नहीं है? कमाल की बात है। ये देखें हमारे गांव का तंदूर जो है ना ऐसे जलाया जाता है, आप लोग देखें कैसे जलते हैं ऐसे जलते हैं। फिर इसके इसके अंदर जो है ना फिर रोटियां लगाई जाती हैं। अल्लाह के बंदे ऐसे गांव में क्या क्या चीज़ें आप लोग देखोगे, आप लोगों को क्या क्या चीज़ें मैं दिखाऊं। बड़ी टैट फैट चीज़ें होती हैं। शाम के टाइम को जो है ना आप लोग ये देखें व्यू चेक करें गाँव का। मगरब का टाइम है अभी, देखें व्यू चेक करें कैसा प्यारा प्यारा लग रहा है। ये देखें इधर देखें ये देखें कैसा प्यारा प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। ये होता है गांव, इसको बोलते हैं गांव। हाँ जी ये देखें वो देखें अभी तक भी लोग मजदूरी को लगे हुए हैं काम कर रहे हैं सामने। ये देखें चलें जी थोड़ी देर के बाद आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, ठीक है ना। सामान क्या ले आया हूँ। हाय 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 क्या बनाया जा रहा है माँ? मूली मूली अकेली मूली मूली ते आलू बनाया जा रहा है आज। मूली ते आलू बनाया जा रहा है। आप खाना चाहोगी मूली और आलू? आज जी मूली और आलू बनाया जा रहा है, धनिया डाला जा रहा है जी। आज की जो हमारी रेसिपी है ना वो ये है। के बाद जो है ना हाँ जी हो गया रत्ता लाल तंदूर कब का हो गया? हमने अपनी रोटी लगा ली है। अच्छा लग बन गई है इतना जल्दी? खैर है
जी जल्दी बन गई है। आज इतना जल्दी की रोटी बना लिया, खैर है टाइम पर खा लेते हैं ना, फिर पूरा दिन नहीं खाते। अच्छा फिर टाइम पर बना लिया, सही हो गया। सही किधे दुकान दुकान गए हैं? खैर होवे कपड़े चाने केंदे से खैर होवे कुन्ना में सवींदे पेन कारे दे आया के देसी मने छोटे करावे सर्दी आने छोटे करावे तारे केड़े मेरे छोटे करवे जरे सदू के लाते ओ जरे इतनी हो रे आन पर जरे साल लायो मुन पर इतनी ना आवे ओए पान जरे कीड़े कपड़े अम्मा मेरे छोटे करवा ले जी करे करावा लांगे अरे चलो सर्दियां दे विच पवदे ना ओ पारी आख्या वे सर्दे पवदे जुड़ पाता ते ओ पहना ना अम्मा गुलाबी गुलाबी ना गुलाबी ना वेई है जाई है ते चले लाते हैं पारे हां तो ये उठावी बात अपना सामान जरा मुंशी दी दाल में किस तरह थी मुंशी की तो ताई चाग दा हां ओ हुने दी हाँ तो वो कौन ही को आके तू छोटा करवावा कपड़े हम नहीं थे तो कपड़े और ले लेते, अब वो किसी की भाभी की निशानी थी मेरी। अच्छा वो पाई बता रहा सी भाभी की निशानी। ये कोई अजीब बात हो गई है ना, बंदा कोई कम से कम मशवरा तो ले लेता है, पूछ तो लेता है कि हम ये काम कर रहे हैं, ये चीज कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं ना करें, कोई पता शता नहीं है, अपनी मर्जी है ये। मैं ये बोल रहा हूँ कि कम से कम मुझसे पूछ, क्यों कहाँ है तुम्हारा दिमाग, कोई बात का पता है? कहीं गाल दा पत्ता लग देते कूं कि मैं क्या दाखना क्या पिट दाखना, जेड़ी गाल मैं ते को आखाना मैं को हूँ गाल दा जवाब इतना कर, जेड़ी गाल मैं नहीं आता तू हूँ गाल दा जवाब दे दी। मैं ते को ये आके कम से कम पूछ तो सही मेरे कनू के केड़ी चीज मेरी पई है, कितना पई है, कशा पई है, हूँ को क्या करूँ, काम लाऊ कहीं को दू या मतलब कोई अपने काम लाऊ, पूछ तो सही मेरे को। आप लोगों को पता है ना कि यार आप लोग बोलते होंगे कि यार खाम खा का सुल्तान गुस्सा करता है, तो भाईजान खाम खा को गुस्सा तो करना पड़ता है। आप घर में ये देखें कोई पूछ गुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आज से तकरीबन 4-5 साल पहले की बात है, तो मुंशी भाई की जो पहली बेगम थी, मतलब जो फौत हो गई, तो मतलब वो जो मेरी भाभी थी, उन्होंने मतलब अपनी पसंद का, अपना फेवरेट अपनी पसंद का उन्होंने मेरे लिए सूट लिया था। सर्दियां थी तब, तो वो जो सूट लिया था भाभी ने मेरे लिए, फिर मैंने उसको सिलाई करवाया, सिलाई करवा के फिर जो है ना मैंने क्या किया, कुछ 2 साल मैंने वो पहना है, मतलब वो सर्दियों का सूट था, 2 साल मैंने पहना है, उसके बाद मैंने रख दिया संदूक में अपना। तो मेरा मतलब वहाँ पर रखने का मकसद ये था कि मेरी भाभी ने ना मुझे अपनी पसंद करके मतलब दिया था, और मतलब उसने अपना फेवरेट का सूट मुझे दिया था। मैं ना उनकी मैंने निशानी समझ के जो है ना बॉक्स में रख दिया था, लेकिन पीछे से अब ये हालात है, मुझे पता भी नहीं चला। तो सुलमान भाई जो है ना वो सूट लेके ना छोटा मोटा करवा के दर्जी से, तो मतलब उसकी सिलाई शिलाई भी छोटी करवा के अब कहते हैं मैं लेने जा रहा हूँ, मुझे पता भी नहीं है इस बात का। मतलब वो मेरी भाभी की निशानी थी मेरे पास, मैंने इसीलिए जैसे रखा हुआ था। सर्दियों में तकरीबन मैं उसको 1-2 दफ़ा जो है ना पहनता था, अब सर्दियाँ आ रही हैं ना फुल, तो जैसे ही सर्दियाँ आएंगी तो मैं ना उनको पहनता था मतलब 1 या 2 बार। लेकिन अब इसी वजह से जो है ना मैं गुस्सा हो रहा था, मतलब कोई भी चीज़ है ना तो बंदा उठा ले, मसला नहीं है, कोई चीज़ ऐसी भी नहीं होती कि बंदे की मतलब नहीं उठाने वाली होती, कोई पर्सनल होती है चीज़, बंदे को देखना चाहिए, थोड़ा एहतियात करना चाहिए, पूछ लेना चाहिए यार, मतलब मुझसे ना कोई कोच ना गोच, जो मर्जी सारा कुछ मेरा सामान का कबाड़ इधर उधर, कुछ समझ नहीं लग रही, ये बात है। बाकी मैं कोई ऐसा वैसा मतलब गुस्सा नहीं कर रहा किसी बात का, माँ बाप हैं अब उनको बंदा क्या बोल सकते हैं क्या कह सकते हैं।
तो ये जो है ना सीन था जो मैं अम्मी के साथ जो है ना गुस्सा कर रहा था। और दूसरी बात ये है, अम्मी को तो वैसे बोलना आता नहीं है उर्दू, उसके साथ फिर सरायकी में बात करें तो फिर होता है। अगर सरायकी में बात हम ना करें तो उर्दू में बात करें तो वो उसको कोई बात समझ नहीं आती अम्मी को। अब फिर मैंने जैसे ही बोला अम्मी को ये बात, अम्मी चुप करके बैठ गई। मतलब जो मेरी भाभी थी माशाल्लाह बहुत अच्छी थी, तब मैं जॉब करता था हॉस्पिटल में, मैं रोज़ डेली आता जाता था, तो मतलब सुबह जाता था शाम को वापस आता था। वो मेरे लिए जो है ना मुंशी भाई की जो पहली बेगम थी, मेरे लिए जो भी चीज़ होती थी ना दिन को पकती थी या मंगवाते थे या कोई भी चीज़ छुपा के रखती थी, मेरी बहुत प्यारी भाभी थी। और उसके बाद जो है ना वो मुझे देती थी, कहती थी कि आप सब लोग खा लेते हो तो मेरा भैया जो है ना अभी तक आया नहीं है, उनके लिए जो है ना मैं रखूँगी। वो छुपा छुपा के अपने अपने हिस्सों में से भी जो है ना अपने भाई के लिए वो रख देती थी। लेकिन आप देखें यार, उसकी निशानी मैंने रखी हुई थी, लेकिन वो अम्मी ने ना सुलमान को दे दिए कि जाके ना तू इन इसको जो है ना सिलाई सिलाई छोटी करवा के तू पहन ले। जो चीज़ नहीं है घर में को कम अज़ कम बंदा बता तो दे कि यार मेरे पास ये चीज़ नहीं है। इसी परेशानियों की वजह से, घर की परेशानियों की वजह से मैं इतना परेशान हूँ, इतना स्ट्रेस लेता हूँ ना कि आप लोगों की सोच भी नहीं है। मैं इनको समझा के थक गया हूँ कि कोई भी चीज़ ज़रूरत हो हमें बताया करें, हमें बोला करें। अगर किसी की कुछ नहीं है, किसी के शूज़ नहीं है, किसी के कपड़े नहीं है, तो हम ना उस हिसाब के साथ ना उनको ला के दें, कोई मसला नहीं है। लेकिन अब ये देखें, उन्होंने मेरे भाभी की निशानी को जो है ना ख़त्म कर दिया है। क्या यार, कैसे लोग हैं, खुदा की कसम बहुत रोना आते हैं। अफसोस लगा है मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा। होता है यार, बंदे को कोई बात ऐसी होती है, कोई चीज़ ऐसी होती है जाना बंदे को जो भूलती नहीं है। तो ये सीन है और कुछ नहीं, कोई ऐसी ऐसी बात नहीं होती। तो फिर आप लोग बोल देना, हाँ अपनी अम्मी के साथ ऐसे बात कर रहे थे कॉमेंट में, फिर आप लोग लिख देना कॉमेंट में, सही है ना। देखिए ना भाई, गलती होती है, कसूर होता है तो बंदा ऐसे जो है ना करता है। मुझसे पूछ लेते हैं, मैं और कोई दे देता, मसला नहीं है। उसके अलावा मैं खुद अपने बाज़ार से जो है ना ला के दे देता, कोई मसला नहीं है। क्या मसला है? शोर ना कर यार, मान जुटे काम कर, अपना शोर ना कर, मैं निकल मान यार, शोर ना कर यार, दिमाग ख़राब है कि मान शोर ना कर। घोड़ा है क्या करें यार, खुदा की कसम जाने का दिल भी नहीं करता। अब उधर इधर ही बैठ जाता हूँ मुंशी भाई के कमरे में। ओए होए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दिल भी नहीं कर रहा यार आज। किस चीज़ का? दिल बहुत उदास है यार। रोटी खाने का? रोटी की बात नहीं है यार, वैसे कोई हाल हवाल भी कुछ नहीं है। बात करने का भी दिल नहीं कर रहा यार। लाइट बाल की ना, तुम लाइट जलाओ या ना जलाओ, बस यार छोड़ो यार इस बात को। कसम से मैं बहुत सैड हुआ यार। आखिर हुआ क्या है? जिसकी मर्जी आती है वही अपनी मर्जी कर लेते हैं। पता नहीं इस घर में चलती अपनी मर्जी है हर बंदे की, पता नहीं क्या है। अगर घर में अपनी मर्जी चलती है तो फिर कभी घर वो कामयाब नहीं होते, अगर हर किसी की अपनी मर्जी चलती रह जाए। कैदी मर्जी चलती की बात यार, छोड़ यार, तुमने क्या करना है अगर आपको बता भी दो, आपके कौन सा इख्तियार है और आप कुछ कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे यार। बाबा मैं एक कोचे को चाहते हुए खड़ा सकता यार, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। रास्ता सही पता तो लगे है, क्या मसला है? वाह यार वाह, शूज ना मैं कहने ही सब बड़ा रोदा बैठी है। मसला क्या है यार, मसला पे है। हेलो, बंदे को क्या है, कहे बंदे कटिए, क्या मसला है, है? यार भाभी ने मुझे सूट ला के दिया था, हाँ तो मैंने वो रख दिया था भाभी की निशानी समझकर। अच्छा, वो जो मुंशी भाई की पहली बीवी थी, हाँ अम्मी ने उठा के ना, हाँ सुलमान को दे दिया, कहती है जाके इसको छोटा मोटा करवा के तुम पहन लो।
तो फिर इसमें रोने वाली कौन सी बात है? तू जब शाली लोग ही खड़ा है। अच्छा मैं तो घेन देता कार्ड घेन देता उठी जो घेन देता देखो घेने वापस है वापस घेने वो छोटा मोटा था कैसे क्या छोटा थी चलो वो तो पैसे दे पावे तो वाला घेने वाले छोटा थी क्या चलो वाला वो जरा कट्टिया नहीं वो वाला चिपड़ा दिखा बस चिपड़ा वा हम फिर बड़ा कर लेंगे है तू चिमड़ा भाई यार ना तो मैं घर दे वैसा कोई चीज करना बचे सा मैं ते को आप सी देना सुड़ी ओ जरा कट्टे ने ना छोटा कितने ने ओ मैं ते को आप सी देना ठीक है छूट के जा काला वो मोटा नहीं था वो सर्दियों वाला अच्छा ओ गिनती वो गिनती सूट जरा ही ही था मोटा हां भाई यार हूं ते कितने रोना बेटे हां भाई यार मैं बता के कोई आज खाना मैं तक घेन देना डुंडा मुंडा वाला पानी बोला छोटा थी गया लुंडा क्या पैदा अरे मेरा ये पड़ी क्या मैं बनवा आया तेरे की मेरे बाप की निशानी तेरे को बनवा आता है ठीक है उन्हें गुआ के रूप घरे चुजा के निकल बन जाना जी भाई अरे तैयारी सारे मान त्या आख रही था कोई बंदा ना रहे मैं कवा लगी बैठी अब्बा बैठे अब्बे को आख अम्मा को आख ठीक है ना मेरे नाल कोई ना आवे मैं सारे को रोने रहा था बन जाओ रोटी छोटी खा गई थी कैसा घर में खा रोटी छोटी खा गए ना बाद नाराज थी भूख मर गए थे रोटी खा गए रोटी कहना मैं मेरा मैं इतना कहना रात से ही कहना ना मेरे रान की जरूरत है क्या है क्या थे ये है क्या है मारे यार कहीं दिया अपनी मर्दी हैं घर है क्या है मारे चुप 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 क्या है मारे हंसा तेरे होने अंदर क्यों है क्या मारे अम्मा जरा ना मेरा सूट चाह दे उड़े सुली कुड़े रहते थे आगे भी छोटा करवा दे मान तू पा अरे निकली जी गाल है मैं एक कुत्ते हैं तेरे अरे निकली जी गाल है मेरा सूट कहीं जा पता है ओबा मेरा सूट मेरी भाभी की निशानी है हाँ वो जरा ते कुछ अंदर ही था मतलब मैं चाहते सिवाय हम चाह हाँ वो जरा मोटा हा वो सूट है वो सूट मेरे को पता सौदे क्या नहीं मैं रखे गणा मैं कि मेरे बाबे की निशानी है मैं जरा वेला सर्दी आन जाने छोटा करा है हाँ ए, तो है। मैं कह जरा वेला सर्दी आन जाने मतलब मैं उनको किरी किरी पहना हम चाह मतलब मेरे को मुँह छे पहना हम चाह बोला ना तो उनको खराब करना थे मतलब मैं रख देना अम्मा ना पूछे ना पूछे उठा के ना सुलमान को दे दे सुलमान ने जावे कटाई शटाई करके सारा छोटा बड़ा कर दिया उसको अच्छा अभी अभी मुझे पता चले ये याद की है भगत ठीक है तो यो के वाला सामान पे क्या बना वो पड़ा हुआ है अब इसको कहाँ किस किस को देना है जिसको देना है दे दो गरीब मैं तो कहता हूँ इधर जो है ना छोटे छोटे बच्चे गरीब हैं जो कपड़े हैं हम उनको तकसीम कर देते हैं अपने अपने बच्चों को देख लो जो उनको आ जाए दे दो बाकी जो है ना बच्चों को दे दो किसी कपड़े तो हैं ही नहीं उसमें कपड़े नहीं है तो वो कपड़े तो कोई है ही नहीं बस बर्तन है ज़्यादा कपड़े कहाँ हैं वो शीटें हैं बस कपड़े किधर है कपड़े आए नहीं थे वो शीटें थी या फिर वो सामान था कपड़े होते हैं तो फिर हम बस्ती में मान लेते होते ना तो कपड़े तो है नहीं बस्ती में बहुत सारे गरीब बच्चे हैं ना तो हमारे अपने घर में भी तो कपड़े नहीं है ना अगर हमारे अपने घर में कपड़े होते तो ये सुलमान फिर मेरे कपड़े छोटे बड़े करवा के वो करता वो जनरल वाओ ठीक है ना आपने
चुप करो आप, इनको क्या पता है हम घर में जलील हो चुके हैं खुदा की कसम। कोई इज्जत भी नहीं है हमारे घर में, कोई भी बात हो बंदा पूछ लेता है, कुछ कर लेता है, कोई मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं ये चीज कर रहा हूँ, यार पूछने में क्या हर्ज है यार, दो मिनट लगते हैं यार खुदा की कसम। मुंशी भाई भी बोल रहे हैं, बस यार थक गया हूँ मैं खुदा की कसम, या इधर मैं रहूंगा या ये लोग रहेंगे, बस थक गया हूँ मैं यार, बस इस घर से ही मैं थक गया हूँ, जो घर अपनी मर्जी से चलता हूँ मैं, उस घर से ही थक गया हूँ बस। चुप करो यार, भाभी का नाम लिया तुझे भी रोना आ गया, चुप करो, चुप 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 करो, चुप करो यार, आ जाओ अम्मा से बात करो ना, बड़े हो ना तुम, जो चलो आगे चलो अम्मा से बात करो, ये अम्मा ने जो किया है ना, अम्मा को बोलो ये आपने अच्छा नहीं किया, आपने हमारा दिल तोड़ा है यार, कम से कम बंदा ये बात, मैंने बात की है, आगे से फिर मुझे डांटने लग गए दोनों मियाँ बीबी, दोनों बैठे हैं ना, बेटी ये बैठा है ना, अब वो जाने का एक अब्बू बैठा है, अम्मा को दोनों ना बोलने लग गए, फिर मुझे फिर डांटने लगा ना, मैं अम्मा को पूछवा तू क्यों आके क्यों कितने, तू बड़ा बिरा ना तो अम्मा को पूछ सकते हैं, तेरे सिर दो पटके तू पूछ क्यों कितने में नले में दसा गिनो गिनो पूछ क्यों कितने में है मां, इन्हें क्यों कितने बगैर पूछे सूट क्यों कितने ने इतना क्या थी बस, इन्हें वास्ते कुछ है नहीं, इन्हें वास्ते कोई महसूस ही कहनी है कि ऐसा क्या कितनी बैठू था एक सूट, हाँ था एक सूट सिर्फ, पूछ क्यों था ये मैं, बड़ा बिराई पूछ अम्मा को क्यों था ये मैं, असल गाल बता उसको, असल असल बात बता, इसको ना वो मेरे पहले वाली वाइफ ने लेके दिया था, वो मेरा लिया था उन्होंने, ठीक है ना, उसका जो है ना गिफ्ट है इसके पास, क्या करे सो अब्बा वापसी चबाते, या का टोटे बटके करके सारा खराब कर सकते ने, और मेरी नाप दे वापसी चबू भाई यार, कान कटा कहने कटे पत्ते देखो पर ला दे बन गए, मैं चावन में ना पिया यार, कोई ये तो बगैर पूछे मेरा जुत्तियां पई वदन, उन्हें जा अपने जुत्तियां कह नहीं भैया सा अपनी पई दे आप कौन पई दे, कौन पई दे ब्याह जूते, हर किसी की जूते हैं, हर किसी के बंद जूते, हर किसी के अपने बंद जूते, हर किसी के अपने ये अपना रफ जूते, हर किसी के अपने हैं, ठीक है ना, जुत्तियां पानी पवन ले डोरे करना हर किसी ने अपने, ठीक है, तो बंद जूते हर किसी ने अपने, दिखावा ये कहने जूते दिखावा अपने अपने, अबे को पूछा बंद जूते तेरी कहनी आग, अबे दी हे अबे दी वाला, अबे दी बंद जूते, अबे वाला अबे मेरे जूते क्यों पहने, ओ गर्मियां हन ना हो सब जान हो पैसे, एक चीज ना हो तो बंदा चलो साकू ऐसा से एक चीज कहनी भी घेन दियो, असा नमी घेन दियो अपने पाए पाते हैं मिना दियो, असा तू को अंडा साठुला भी गिनी सुंडा बैठी जमीन कीती हो तवे, सवेरे उका को फटा देवे ना जूते टोटे टोटे करते, मैं सवेरे भी नमी गिना देना, सुबह नमी जूते टोटे टोटे काट देती, हां सुबह नमी लेके देता हूं इसको, अच्छा सवेरे वो कुहाड़ी चाट का सवेरे नमी गिनी, ये सही बात है ना, ये सही बात है, कुहाड़ी से टोटे टोटे कर दो, ऐसे तो टूटती नहीं है ना, पहनने से तो टूटती नहीं है वो, फिर कुहाड़ी के साथ टोटे टोटे कर दो उसके, पहनने से नहीं टूटती, तो जब से मैंने ला के दिया वैसे के वैसे पड़ी हुई है ब्रांड, हेलो मुंशी ब्रांड शूज, अब्बू को ब्रांड मूजा ला के दिया था मैंने, अब्बू को ब्रांड शूज, अभी तक उसका एक धागा तक भी वो नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ, वैसे न्यू पड़ा हुआ है, अब कहता है वो टूट नहीं रही है, सुबह कुल्हाड़ी चाहिए ना उसके टोटे टोटे कर देता हूँ, सुबह मुझे और न्यू ला के दो,
सितारे वाली जूती पावा चिट्टा जोड़ा पहना कितनी बार है? दो से तीन बार पहना उसने। लिपटी ना होवे? हाँ जी लिपटी। सितारे वाली जूती होवे। डैडी गाल सुन, साइकिल मोटा रहे। डैडी गाल सुन, गाल सुन आवे ते पैर धोवो। डैडी मत करो, अल्लाह। डैडी गाल सुन, गाल सुन मेरी। इंजी इंजी कोई गाल नहीं करनी है। जी मैं रात की थी गाल, ठीक है? वो नहीं करनी है। मैं नहीं करेगी। हाँ वो जी गाल ना करें। करेगी नहीं मैं। हाँ नाराज से मैं दन। चलें यार, ये सूरत हाल है आज। यकीन मानो मेरा दिल नहीं लग रहा यार, खुदा की कसम। इन्होंने बहुत क्या क्या बड़ा नुकसान किया यार। रात दादी ने क्या कहा था? हैं? किलोग में कहा था उन्होंने? मैंने बोला दादी ये बताओ कि गाड़ी की जो है ना फ्रंट सीट कहाँ पर होती है, कार की फ्रंट सीट कहाँ पर होती है? कहती है पता नहीं चौथ कोलो होंगी है, पता नहीं कितो। फिर दादी बोलती है हंस हंस के पागल। मैंने कहा दादी ऐसी बातें रह किया करो, हमारे फैमिली देखते हैं, फैमिली मेंबर हैं हमारे, बहन भाई हैं, वो देखते हैं क्या बोलेंगे, क्या क्या कह रही है दादी। दादी को पता नहीं। हाँ वो कभी बैठी है और कभी देख। आप लोगों ने शायद मेरे काल वाले व्लॉग में नोट नहीं किया, शाम वाले में जाके देखे, उसमें यही बात हुई थी। चले जी खाना रेडी हो गया, सब लोग अब खा रहे हैं। अब हम नाराज जो हैं हमसे कोई, अब हम नहीं नाराज जो हैं हमसे कोई खाने का भी नहीं पूछ रहा। अब नाराज जो हैं हमारे कपड़े भी खराब कर दिए, अब हमसे खाने का भी कोई नहीं पूछता हमारे घर वालों में से। ये देखिए ये खुद, ये देखिए खुद जो है ना, खुद आपको जो है ना लाड़ भेड़ के खाना पड़ता है। अम्मी के पहले बात सुनो जी, कोई रोटी शोटी चलो, कोई रोटी गिट्टा पकड़ो, गिट्टा पकड़ो, गिरी गिरी गिरी। हाँ बस उठी बता मैं क्यों यहाँ उठ मिल से करो डाल दे करो खाओ नहीं मिलती। चल चलो यार दादी के घर से खाना खाते हैं। अम्मी ने सबको जो है ना उठी यार जुलू यार उठी सब पता ही था कि सारा कोई नसीब क्या नहीं। अम्मा अम्मा दे मंजो कोई रोटी छोटी कहने जोल दादी दे करो खाऊं हैं जी। बात फिर आपको बोला है दादी ने मैंने कोई रोटी छोटी नहीं बनाई हुई, आप भी नहीं दोगी, दादी को भी बोल दो फिर वो भी ना दे हमें। तो जल्दी दादी देखो खावा काय ना, मैं आपको इनको दोगी रोटी? कोई सकी था कोई मतराई था, हमने काम नहीं किया हमें रोटी नहीं मिलेगी। चलो सर हस्बैंड को कहना था ही को दे रोटी। अम्मी ने घर से निकाल दिया यार। चलो ठीक है क्या करें आप, बात जहाँ से नसीब होगा खाना घर को खाएंगे, वरना मेरे हिसाब से मुश्किल है। मेरा बिराग कहीं कारण ऐसी रोटी तू जाए कल वैसे ना अपनी पका ले। कैसा के तू पको किधर पको दस इतने पको सो लग गए पक जी लोगों को आई तुम बोलना जी जी क्या बोला आके रोटी खा लो सद्या ने अम्मा की आओ रोटी खा गिनो। मेरी वाइफ ने, मेरी वाइफ ने बुलाया है आ जा रोटी खा। किसको बुलाया आपने? मुझे बुलाया अम्मी ने। नहीं नहीं आपने किसको बुलाया? किसको बुलाया? मैंने किसी को सुलेमान को बुलाया। सुलेमान तो इधर आए नहीं। सुलेमान मैंने कहा तो मुझे यही आवाज आई है रोटी ले आऊं। मासी यार हमारे घर में से हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी जो हमारे साथ हो रहा है, ठीक है ना? ये सही हो रहा है, ठीक है ना? मार लेते हमारा सर फोड़ देते, हमारे सर में चार चार टांके लगने पड़ जाते, अल्लाह माफ करे ऐसा हो ना कभी, लेकिन खाने से ना रोकते हमें। क्या करूं क्या करूं लागू पानी तो पीवा डे हुन कई पानी छणी कर प्रति बार वॉशरूम में पैवन पाए पुरुष पड़े जी में अम्मा उड़ी उड़ी भाए डंड किते ओ जा वाने आराम नाल बैठा
तू भाई भाई आज तारे तो माफ है ठीक है अम्मा ओरे ओके नहीं बैठा हो के नहीं बैठा ओरे तू कहे बैठा भाई वॉशरूम बैठा वॉशरूम अच्छा बैठा है बैठा हंस तू हंसता है बोला ओ ओ ना भाई वो गिनने की आज आज तो आपको मैं माफ कर देता है ठीक है ना ए कल करो ये आख्यो है तो गाली की तो है ए रिटी ए थोली भाई ए रत्ता रत्ता नहीं खाता ए भा थोली है अच्छा जाती भा बाल ते मैं यूं तो रे ते बटे दे दे मत कर रत्ता बटे दे दे आओ तमाशा अच्छा आज मिल से रोटी हम रोटी मिल से हूं हम आओ आज अच्छा। ले दिया हम अल्लाह का वास्ते कल ही में की तो है बा कशा का ने सब खुद में घर का रहने समय ठीक है तो सारा समय मैं रहा ठीक है हां ठीक है रोटी दे पता लगी लगी हाँ क्या क्या बोले उन्होंने कहा या मैं रहा या तू सारा था बोला मैं क्या सारा था चलो आ जाओ अम्मा रोटी देनी तू क्या टाली खड़ी जल्दी रोटी चाहते रानी तारी कुत्ती वदी है साथ में छुड़वे ने नहीं वे जी ना ना मैं उड़े ही में ना पे कमरे च मां उड़े ही में ना बिहा उड़े ही आराम सुकून नाल माना पे मां आराम सुकून के साथ बैठूंगा नमस्ते नमस्ते वी तुझे कैसे रोटी मिल गई है हेलो तुझे कैसे मिल गई रोटी इसको कैसे मिल गई रोटी खादी में नहीं मैं भी खा लूं चलो जी खाते हैं खाना अगर आप लोगों ने खाना तो आप भी खा सकते हैं हमारे साथ अपने बिलों का भी रेंट काट रहा हूँ आज मुझे बहुत अफसोस हुआ है ठीक है ना जैसे कि आप लोग भी जानते हैं इस बात को कि अच्छा नहीं हुआ मेरे साथ ठीक है ना तो उसके बाद अम्मी भी डंडा उठा के आ गई है चलें जी जो भी होगा इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करेंगे तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान जिंदाबाद।